हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, ठीक है? तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर 4th है ना? चैप्टर का नाम क्या है? पार्ट्स एंड होल्स, ठीक है? हम पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, होल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखो आपको कुछ फ्लैग्स वगैरह दिख रहे हैं। तो मैं इससे पहले स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि हमने इससे पहले अपने 3 चैप्टर एनसीईआरटी मैथ्स का कवर कर लिया है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ठीक है? अगर उसमें आपको कोई सा भी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर अब जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक है उस पर आप ज्वाइन होकर डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, ठीक है? और आप उससे हमें डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमसे 1-to-1 पढ़ना चाहते हो तो हमारे पेड कोर्सेज भी चलते हैं। हमारा पेड कोर्सेज चलता है, स्टार्ट होता है 501 से, ठीक है? जिसमें मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगी, जिसमें आप डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, डायरेक्ट हम आपसे बातें भी कर सकते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखो इसमें क्या दिया है चैप्टर में। चैप्टर का नाम है पार्ट्स एंड होल्स, ठीक है? आर फ्लैग, फ्लैग के बारे में अभी हम जानेंगे। क्या है? यू मस्ट हैव सीन द फ्लैग ऑफ आर कंट्री। आप सबने देखा ही होगा, अपने फ्लैग को तो देखा ही है सबने, ठीक है? डू यू नो हाउ टू ड्रॉ द फ्लैग। आपको फ्लैग बनाना आता है? अगर आप पेपर पे बनाओ या फिर एक्टिविटी करो तो आपको ये पता चलेगा कि फ्लैग एक्चुअल में बनता कैसे है, ठीक है? ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर। अब आपको बनाना कैसे है? एक तो आप रेक्टेंगल बनाओ 9 सेंटीमीटर का, ठीक है? कितना आना चाहिए? 9 सेंटीमीटर का, 9 सेंटीमीटर। और इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए? 6 सेंटीमीटर की, ठीक है? अब आपको पता कैसे चलेगा? जो लंबी साइड होती है वो होती है लेंथ, मतलब कि ये होता है लेंथ और ये होगा विड्थ, ठीक है? उसके बाद डिवाइड इट इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। अब इसको क्या करोगे? आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 1, 2 और 3। 1, 2, 3, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है? इसके बाद क्या करना है? इसमें क्या हम चक्र बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे बीच वाले पार्ट में, ठीक है? और उसमें क्या करेंगे, 24 लाइंस बना देंगे, ठीक है? और फिर उसमें आप कलर कर दो। द टॉप 1/3 ऑफ द फ्लैग ऑफ आर फ्लैग इज सेफ्रॉन और ऑरेंज, ठीक है? इसको हम क्या बोलेंगे, 1, 2, 3। फ्रैक्शन भी आ गया इसमें, टोटल कितने पार्ट है, 3। और जो ऊपर का जो फर्स्ट होगा वो होगा 1/3। ये क्या पार्ट हो गया? 1/3 हो गया, ठीक है? तो इसका कलर क्या होता है? सेफ्रॉन कलर होता है, ठीक है? व्हाट इज द कलर ऑफ द मिडिल 1/3 ऑफ द फ्लैग, ठीक है? जो मिडिल 1/3 होगा, मिडिल मतलब बीच में, ये भी 1/3 ही होगा, 1, 2, 3, थर्ड पार्ट का फर्स्ट ही है, तो इसका कलर क्या होगा? व्हाइट होगा, है ना? व्हाइट होगा इसका कलर। वेयर यू विल यू ड्रॉ द अशोका चक्र। अब आप अशोका चक्र कहाँ बनाओगे? मैंने क्या बताया, जो मिडिल वाला होगा 1/3 पार्ट, इसमें आप क्या करोगे, सेंटर में एक चक्र बनाओगे, अशोका चक्र, ठीक है? हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन, ठीक है? और ग्रीन क्या होगा, लास्ट वाले पार्ट में ग्रीन कलर होगा। इज द व्हाइट कलर नाउ लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग, ठीक है? जो व्हाइट कलर होगा वो भी क्या होगा, लेस देन 1/3 ऑफ द पार्ट होगा, है ना? क्यों? क्योंकि इसमें अशोका चक्र भी आ गया, है ना? और ये भी मैंने बता दिया कि इसमें अशोका चक्र है, व्हाई क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद क्या है, नाउ लुक एट दिस फ्लैग। अब इस फ्लैग को देखो, हाउ मच ऑफ इट इज द ब्लैक, इसमें ब्लैक कलर कितना है? देखो इसमें भी 1, 2, 3 पार्ट हुए हैं, है ना? तो 3 है, और इसमें पार्ट कौन सा है, फर्स्ट है, ठीक है? 1/3 पार्ट है। 1/3 पार्ट में क्या हुआ है, ब्लैक कलर हुआ है, ठीक है? द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी रिटन एज, ग्रीन पार्ट को हम सेम वैसा ही लिखेंगे, 1/3, 3 है, 1, 2, 3, टोटल 3 है, और जो ये वाला ग्रीन वाला पार्ट है वो 1 ही है, तो 1/3 लिखा है हमने, ठीक है? इज रेड लेस देन द 1/3 ऑफ द फ्लैग, बाय सेम वैसा ही है। इसमें क्या हुआ, ये पूरा 1/3 नहीं होगा क्योंकि इसमें ये सिंबल भी आ गया है ना? दिस इज द फ्लैग। अच्छा ये एक फ्लैग है, ठीक है? इज ब्लू मोर देन 1/4,
इसमें देखो ये टोटल अगर पार्ट किया जाए तो ये 1, 2, 3 और 4 पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगा, तो ये 1/4 पार्ट हो गया, ठीक है, 1/4 पार्ट और उससे भी कम हो जाएगा क्योंकि इसमें भी ये सिंपल है, ठीक है। उसके बाद देखो फाइंड आउट कलेक्ट एज मैनी फ्लैग्स एज यू कैन, ठीक है, आप ऐसे ही बहुत सारे फ्लैग कलेक्ट करो जितने आप कर सकते हो। हाउ मैनी फ्लैग्स हैव 3 कलर्स, किस किस कौन कौन से फ्लैग में 3 कलर्स होंगे, ठीक है। आर ऑल द कलर्ड पार्ट्स इक्वल इन दीज फ्लैग्स, तो वो सारे जो होंगे वो इक्वल इक्वल कलर पार्ट में होंगे, वो आपको बताना है देखकर, ठीक है। दिस इज द फ्लैग ऑफ द मैथ क्लब इन अ स्कूल इन केरला, ठीक है, ये जो देखो ये मैथ क्लब का पार्ट है, केरला में है। व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लैग इज कलर्ड रेड, अब देखो दो रेड है तो टोटल पार्ट्स इसके कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 5, टोटल पार्ट को हम नीचे लिखेंगे, ठीक है, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 5, और रेड कलर कितने पार्ट में है, 1 और 2 पार्ट में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, तो 2/5 हो जाएगा, ठीक है। एंड व्हाट पार्ट इज ग्रीन, ग्रीन कितना होगा, 1 ही है, ग्रीन कौन से में कितने पार्ट में कलर्ड है, 1 में, तो क्या हो जाएगा, 1/5, है ना। फिर सी द ब्लैक लोगो, ये क्या है, एक लोगो है, ब्लैक लोगो है, ड्रॉ इट, अब इसे कैसे बनाएंगे, देखो इसमें अलग अलग शेप्स यूज हुए हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाऊं तो देखो इसमें देखो अलग अलग शेप्स यूज हुए हैं, है ना, ये क्या है, ट्रायंगल है, फिर ये ट्रायंगल है, ये भी देखो ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, और ये भी ट्रायंगल है ना, तो इसमें ऐसे ही बहुत सारे क्या हुए हैं, यूज हुए हैं पार्ट्स, ठीक है, शेप्स यूज हुए हैं। इज देयर अ मैथ क्लब इन योर स्कूल, ऐसा ही क्या मैथ क्लब आपके स्कूल में है, इफ नॉट आस्क योर टीचर हाउ टू सेट अप इट, ठीक है, अगर नहीं है तो आप पूछो अपने टीचर से कि इसे कैसे बनाएंगे, जैसा अभी मैंने बताया, ठीक है, शेप्स का देखो एक एक शेप देखो और उसे बनाते जाओ, ड्रॉ करते जाओ, बन जाएगा, ठीक है, और फिर अपने मैथ क्लब के लिए एक लोगो बनाओ, ठीक है। आगे क्या है, मैजिक टॉप, लेट अस मेक अ मैजिक टॉप, अब क्या करेंगे, हम एक मैजिक टॉप बनाएंगे, टेक अ कार्डबोर्ड पीस, एक कार्डबोर्ड पीस लेना है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3, देखो रेडियस क्या होता है, अब मैं ये बताऊं, जैसे सर्कल है, ठीक है, सर्कल में रेडियस बनाना है तो ऑफकोर्स हमें पता होना चाहिए कि रेडियस क्या होता है, ये हमारा है क्या सर्कल, और ये क्या हो जाएगा सर्कल का सेंटर, ठीक है, जो इससे हाफ डिवाइडेड बाय लाइन होगी इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस, ये लाइन से जरूरी नहीं है कि यहीं पे हो, ये ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ये सारे क्या होंगे, रेडियस होंगे हाफ आपके, ठीक है, ये सारे क्या होंगे, रेडियस होंगे। उसके बाद कट इट आउट, अब इसे क्या करना है, कट करना है, ठीक है, जैसा यहाँ पे दिया है, इसे यहीं से एक रेडियस से कट कर लो, उसके बाद डिवाइड द सर्कल इंटू 8 पार्ट, ऐसे ही कट कट कर करके आपको 8 पार्ट में उसे डिवाइड करना है, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और एक और बना लो 8, ठीक है, तो ऐसे ही आपको 8 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, मैंने तो ऐसे बना दिया, आपको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, इक्वल पार्ट्स के लिए पूरा सर्कल एक बनाओगे, ठीक है, उस सर्कल को कट करोगे, पूरा सर्कल बनाने के बाद उसको हाफ फोल्ड करोगे, हाफ फोल्ड करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम करोगे, जब आप उसे खोलोगे तो आपके में कुछ ऐसी लाइंस बनी होंगी, 1, ऐसी कुछ आपके में ऐसी लाइंस बन गई होंगी, फिर आप क्या करो उसे कट कर दो, तो वो इक्वल पार्ट्स में हो जाएगा, ठीक है। नाउ ईच पार्ट, फिर उसका हर एक पार्ट क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, है ना, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 8 है, और बात कितने की हो रही है, 1 की हो रही है, तो 1/8 ऑफ द सर्कल हो जाएगा, ठीक है। कलर 2/8 रेड, 2/8 का क्या मतलब है, देखो टोटल पार्ट कितने हैं, 8 है, और हमें रेड कलर कितने में करना है, 2 में, 2 में रेड कलर करना है, तो एक तो आप इसमें कर लो, उसके बाद एक इसमें कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 2/8 कलर ऑफ रेड हो जाएगा, ठीक है। 1/8 ऑरेंज कलर करना है,
ठीक है, 8 में से एक पार्ट को आपको, 1 पार्ट को क्या करना है, ऑरेंज कलर करना है, ठीक है। इसी में से आपको 1 ही पार्ट आपको येलो कलर करना है। ऐसे आप क्या करो, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स कर, ठीक है। अब पुश अ मैच स्टिक थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ऐसे क्या करना है, सेंटर ऑफ द सर्कल से आपको एक मैच स्टिक उसमें घुसानी है, जैसे इसने घुसाई है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर से। योर मैजिक टॉप इज रेडी। अब क्या हो जाएगा, आपका मैजिक टॉप रेडी हो जाएगा। स्पिन इज फास्ट। अब उसे क्या करो, आप उसका टॉप पकड़ो मैच स्टिक का और उसे क्या करो, स्पिन करते रहो, घुमाते रहो, ठीक है। अब क्या है, प्रैक्टिस टाइम है, चॉकलेट बार है, मंजू हैड अ चॉकलेट, मंजू के पास क्या है, चॉकलेट है। शी गिव 1/4 ऑफ इट टू राजी। उसने राजी को उसका 1/4 पार्ट क्या किया, दे दिया। इसका मतलब उसके पास पूरे चॉकलेट में 4 पार्ट ही होंगे, है ना, क्योंकि 1/4 दिया ना, तो टोटल 4 पार्ट ही होंगे। उसके बाद उसने उसमें से 1 उसको दे दिया, 1/3 टू। अब देखो, उसने 1/3 किसको दे दिया, सुगाता को दे दिया। तो अब जब उसने 1 दे दिया तो ये क्या हो गया, हट गया। अब उसके पास 1, 2, 3 पार्ट बचा, तो 3/1 पार्ट, 1 पार्ट उसने फिर किसको दे दिया, दूसरी अपनी फ्रेंड को दे दिया। अब उसके पास 2 बचा, है ना, तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 1, 6, ऐसे से करके ये डिवाइड होता रहेगा, ठीक है। अब देखो, कलर द हेड्स, आपको इन कलर्स हेड्स में क्या करना है, कलर करना है। कलर 1/3 ऑफ द हेड रेड, ठीक है। तो ये हेड है, इसमें आपको 1/3 पार्ट में क्या करना है, कलर करना है। तो 1/3 ये हो जाएगा, 1, 2, 3, इसमें एक पार्ट में आप क्या कर दो, कलर कर दो, ठीक है, रेड कलर कर दो। ऐसे ही सेम कलर 3/5 हेड्स ऑफ ब्लू, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है, 3/5 का मतलब क्या होगा, 3/5। तो टोटल आपको पार्ट्स कितने बनाने हैं, 5, और उसमें 3 में क्या करना है, ब्लू कलर करना है, ठीक है। पूरे 5 में नहीं करना है, सिर्फ 3 में करना है। हाउ मैनी हेड्स डिड यू कलर रेड। अब आप बताओ कि आपने रेड कितने में कलर किया है, 1 में किया था, 1/3, है ना। हाउ मैनी हेड्स डिड यू कलर ब्लू, 3/5, ठीक है। व्हाट पार्ट ऑफ द हेड्स आर नॉट कलर्ड, जो कलर्ड नहीं होंगे वो भी लिख दो आप, ठीक है। ये है इक्वल पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल, ओके। द व्हाइट ट्राइंगल इज डिवाइडेड, नाउ ट्राई टू मेक 3 इक्वल इंटू 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। इसी एक ट्राइंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिल ईच पार्ट दिस ट्राइंगल इज इन अ 1/3 पार्ट ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट वे, ठीक है। आप क्या कर दो, डिफरेंट डिफरेंट कलर कर दो, ठीक है। कलर ईच 1 कलर, अभी मैंने बोला। कैन यू शो दैट दिस थर्ड विद अ डिफरेंट कलर पार्ट्स आर इक्वल, थिंक नाउ। जब इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो देखो, ये सेम है कोई, इसके पार्ट्स नहीं है, मतलब ये तो सेम है, क्योंकि इसमें देखो 2 साइड्स पड़ी हैं, उसके बाद 1, 2 साइड्स हैं, फिर 2 साइड्स पड़ी हैं, फिर 1, 2 साइड्स हैं, तो ये सेम है ना। उसके बाद 6th पार्ट ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। रानी हैज डिवाइडेड अ ग्रीन रेक्टेंगल इनटू 6 इक्वल पार्ट। एक ग्रीन रेक्टेंगल को उसने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। नाउ यू डिसाइड ईच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स इनटू 6। अब इसको 6, ऐसा जरूरी नहीं है कि रानी ने इसे ऐसे 6 पार्ट में डिवाइड किया है तो आप भी सेम ऐसा ही करो। आप अपना डिफरेंट वे ढूंढ सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे भी बना सकते हो, या फिर आप इसे हटा के देखो ऐसे भी आप कलर कर सकते हो, 1, 2, 3, 4 और फिर 5, 6, ऐसे आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो उसे, ठीक है। सेम आपको इधर करना है, ठीक है। ये मैंने आप गिन के नहीं किया, आपको ऐसे ही करना है। उसके बाद ग्रीन गेट कीपर, रिमेम्बर बिरबल द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ किंग अकबर, ठीक है। क्या है, यहाँ एक बार और पढ़ेंगे, रिमेम्बर बिरबल द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ किंग इंडिया, ठीक है, किंग अकबर। आपको पता है अकबर बिरबल की स्टोरी पता है ना, अकबर जो थे वो राजा थे, और राजा का मंत्री कौन था, बिरबल, अकबर का, ठीक
ठीक है, ये फोर्थ क्लास में पढ़ा होगा आपने, पेज नंबर 14 में। डू यू नो हाउ ही बिकम अ मिनिस्टर, आपको पता ही होगा कि वो मिनिस्टर कैसे बना था। बिरबल वॉज देन अ यंग बॉय लिविंग इन अ विलेज, जब क्या था बिरबल एक जवान सा लड़का था, यंग बॉय था, ठीक है, वो एक गांव में रहता था। ही वॉज वेरी क्लेवर एंड गुड राइट पोइट्री, वो बहुत चालाक था और वो क्या करता था, पोइट्रीज लिखता था, ठीक है। ही थॉट ही कुड ट्राई हिज लक ऑफ किंग्स कोर्ट, ठीक है, जो किंग का कोर्ट था उसने क्या बोला कि मैं ट्राई करता हूँ, मेरा लक देखता हूँ मैं किंग के कोर्ट में। सो ही took some of these poems and set off for the city, ठीक है, फिर उसने कुछ पोएम्स लिखे और चल पड़ा। When he reached the outer gate, जब वो बाहर गेट पे पहुंचा of the palace, he stopped by the gatekeeper, तो उसको किसने रोक दिया, गेट कीपर्स ने उसे रोक दिया, ठीक है। Hey, stop there, where are you going, उसने क्या बोला गेटकीपर ने कि रुको आप कहाँ जा रहे हो, तो shouted the, अब वो उसने क्या बोला गेट कीपर ने चिल्लाते हुए बोला कि रुको रुको तुम कहाँ जा रहे हो। फिर आई एम अ पोएट, आई वॉन्ट टू सी किंग अकबर एंड शो माई पोएम्स टू हिम, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि मैं क्या हूँ, एक पोइट हूँ, मैं आया हूँ अकबर किंग से मिलने और उन्हें अपनी पोइट्स दिखाने के लिए, ठीक है। ये क्या किया, रिप्लाई किया किसने, पोइट ने, और पोइट कौन था, बिरबल, ठीक है। ओ यू आर अ पोइट, फिर उसने क्या बोला, अच्छा आप एक पोइट हो, द किंग इज काइंड, ही विल श्योरली गिव यू अ प्राइज, तो उसने क्या बोला कि पक्का आपको जो है अकबर वो एक प्राइज देंगे, किंग मतलब किंग कौन था, अकबर था। आई विल लेट यू इन इफ यू गिव हिम 1/10 ऑफ योर प्राइज, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि मैं ऐसा कर पाऊंगा लेकिन आपको 1/10 पार्ट जो होगा उस प्राइज का आपको मुझे देना पड़ेगा। ये किसने बोला, गेट कीपर ने बोला। तो 1/10 पार्ट का क्या मतलब हुआ, टोटल उसको 10 मिलेंगे, उसमें से वो गेट कीपर को कितने देगा, 1, है ना। आगे क्या है, यंग बिरबल एग्रीड सिंस ही हैड नो अदर वे, ठीक है, तो वो जो बिरबल था वो मान गया कि उसके पास कोई और अदर ऑप्शन था नहीं, ठीक है। व्हेन ही वेंट इन द गेट कीपर कैलकुलेटेड, इफ ही गेट्स 100 गोल्ड कॉइंस आई विल गेट पॉइंट्स, ठीक है। तो जब वो अंदर गया, कौन, बिरबल जब अंदर गया तो गेट कीपर ने क्या किया, वो कैलकुलेट करने लगा, अगर उसे 100 गोल्ड्स मिलते हैं, 100 गोल्ड पॉइंट्स, तो वो उसे कितना देगा। तो क्या करोगे आप, 100 × 1/10, ठीक है। उसने क्या बोला था, उसके पास टोटल उसको 100 मिलेंगे, ठीक है, और उसने क्या बोला था कि आप क्या करोगे, 1/10 पार्ट मुझे दोगे, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसने 1/10 पार्ट बोला है तो इसके पास सिर्फ 10 पॉइंट्स ही उसे मिलेंगे, नहीं, उसको जितना भी मिलेगा उसका पूरा का पूरा 10% में से 1% उसको मिलेगा, वही उसका 10% होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 0 से 0 हटा दोगे तो कितना बचा, 10 बचा, तो उसको कितने, गेट कीपर को कितने गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे, 10 गोल्ड पॉइंट्स, ठीक है। द पोइट केम टू अ सेकेंड गेट कीपर, फिर क्या किया पोइट, पोइट ने क्या किया, वो दूसरे गेट कीपर के पास गया। दिस गेट कीपर ऑल्सो सेड, उसने भी यही कहा कि आई विल लेट यू इन इफ यू गेव मी 2/5 ऑफ योर प्राइस, उसने क्या बोला कि अगर तुम अपने प्राइस का मुझे 2/5 पार्ट देते हो तभी मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा, ठीक है। अब क्या करेगा, पोइट तो एग्री होना ही होना है क्योंकि उसके पास और कोई अदर ऑप्शन है नहीं। तो अब बताओ, फिर जैसे ही गेट कीपर ने कैलकुलेट किया कि अगर उसे 100 पॉइंट्स मिलते हैं तो उसे उसमें से कितने कॉइंस मिलेंगे, तो 2/5, उसने कितना मांगा, 2/5 मांगा, तो 2/5, और फिर मल्टीप्लाई किससे किया हमने, 100 से, टोटल से। तो करो देखो, 5 हमने जब मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 100 से, तो 20 आया, और 2 × 2 = 4, 40, उसको कितने मिल जाएंगे, कितने गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे उसे, 40 गोल्ड पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, द पोइट रीच द लास्ट गेट, तो फिर पोइट पोइट क्या गया, बिरबल क्या किया, वो लास्ट वाले गेट पे गया। द गेट कीपर सेड आई विल अलाउ यू इफ यू सी द किंग ओनली इफ यू गिव हिम हाफ प्राइस, अब उसने हाफ प्राइस मांग लिया जब वो लास्ट वाले गेट कीपर के पास गया,
उसने उसे बोला कि जो भी तुम्हें प्राइस मिलेगा उसका पूरा आधा हिस्सा तुम मुझे दोगे। हाफ प्राइस का मतलब क्या होगा? जितना भी उसको मिलेगा, जितना भी बिरबल को प्राइस मिलेगा उसका आधा वो क्या करेगा, उस गेटकीपर को देगा। तब पॉइंट मान गया, ठीक है। फिर जब उसने कैलकुलेट किया, द गेटकीपर थॉट टुडे इज अ ग्रेट डे, ठीक है। तो गेटकीपर ने क्या सोचा कि आज तो बहुत ही अच्छा दिन है। इफ ही गेट 100 गोल्ड कॉइंस, अगर उसे 100 गोल्ड कॉइंस मिलते हैं तो मुझे कितने मिलेंगे? तो उसे हाफ चाहिए था, तो 100 का आप क्या कर दोगे, हाफ 2 से डिवाइड कर दोगे, है ना। तो कितना आ जाएगा, 50। तो उसे उसे कितने गोल्ड कॉइंस मिल जाएंगे? 50 गोल्ड कॉइंस मिलेंगे, ठीक है। बट इफ ही गेट, अगर उसे 100 कॉइंस मिलते हैं तो उसे कितने मिल जाएंगे, सॉरी 1000 कॉइंस मिलेंगे तो उसे कितने मिलेंगे, 500 गोल्ड कॉइन्स उसे मिलेंगे, ठीक है। द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द पोएट एंड सेड योर वर्क इज वेरी गुड, ठीक है। जो किंग था, अकबर जो था, वो बिरबल की पोएम से बहुत खुश हुआ, ठीक है। उसने क्या बोला कि आपका जो काम है वो बहुत अच्छा है, यू कैन आस्क एनी थिंग एज योर प्राइस। तो उसने क्या बोला, आप जितना चाहो उतना मुझसे प्राइस मांग सकते हो। तो माई लॉर्ड आई वॉन्ट 100 स्लैब्स, उसने क्या बोला कि मुझे 100 स्लैब्स चाहिए। तो फिर उसने क्या बोला, वॉट, मतलब जो पॉइंट था, बिरबल था, उसने बोला 100 स्लैब्स चाहिए मुझे। तो फिर अकबर बोलता है, वॉट 100 स्लैब्स, है ना। द किंग वॉज शॉक, ठीक है। जब उसने बोला क्या 100 स्लैब्स, फिर वो क्या हुआ, शॉक हो गया। तो वॉट हैपेंस आफ्टर दैट, कंप्लीट द स्टोरी। What part of the prize did the poet get? Yeah. अगर वो 100 स्लैब्स लेता है तो उसी पार्ट में इन सबको भी वही मिलेगा, ठीक है। तो पैटर्न्स इन पार्ट्स, ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, पार्ट बी में। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अपने अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप इतना सबको समझ में आ गया हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है, कमेंट में भी पूछ सकता है और व्हाट्सएप पे भी पूछ सकता है। उसके बाद अगर आपको, आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर्स के, तो वो भी आप देख सकते हैं। और जो मैंने हाफ ईयरली प्रिपरेशन की वीडियोस बनाई हैं वो भी आप जाके एक बार देख सकते हो, जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रिविजन कराया था, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसी वीडियो और मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो।